हाँ जी, नमस्कार साथियों, जय हिंद, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से सभी साथी लोग लाइव आ जाइए। सभी प्यारे विद्यार्थी हो, शानदार वाले विद्यार्थी हो, जल्दी से लाइव आ जाइए। सेशन को शुरू करने वाले हैं फूड क्रॉप्स में, जो आज है कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं, रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि ओवरऑल फूड क्रॉप से पूछे गए हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग सर जी, हमारे अन्नदाता शिव साहू बोल रहे हैं गुड इवनिंग, प्रियंका मैम बोल रहे गुड इवनिंग, सभी साथी बंधुओं को, दोस्तों को, मित्रों, सहपाठियों और सभी प्यारे छात्रों को गुड इवनिंग, राम राम, ठीक है। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, सेशन को करने वाले हैं शुरू, ओके। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कोर्स के रिगार्डिंग, क्योंकि एग्जाम डेट आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। पहले थी क्या, अप्रैल में, और अब जो एग्जाम डेट है वह क्या हो गई है, 18 से 19 मई, ठीक है। यह एग्जाम डेट है, वापस से थोड़ा समय मिला है, ठीक है। तो इसका फायदा उठा लीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और साथ में लाइव क्लासेस में अपने डाउट क्लास जो है डाउट सॉल्व कीजिएगा लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है। मॉर्निंग में लगती है लाइव क्लास, ठीक है। इस बुक के माध्यम से भी, कृषि ब्रह्मास्त्र बुक जो है, इसके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं कम समय में, ज्यादा पढ़कर, ठीक है। आप जो है इस बुक के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कोर्स के लिए जो है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियां दी गई है, ठीक है। लिंक दिया गया है किसका, एप्लीकेशन का, डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और जो है RHEO बैच 2 लिखा हुआ है, उस पर जाकर आप इनरोल हो जाइए, RHEO बैच 2, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एग्री के सारे सब्जेक्ट्स है, प्लस हॉर्टी है, प्लस सी सेट है, और प्लस साथ में क्या है, टेस्ट सीरीज, इस एकमात्र कोर्स के अंदर है, ठीक है। आप इसको एनरोल कर लीजिए, आपको काफी सारी हेल्प मिलेगी, ओके। आज पढ़ते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, पूछा है केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कोट्टायम केरल, कासरगोड केरल, बेहलानूर कर्नाटका, या फिर डी है वलपराई तमिलनाडु, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। हाँ जी, गुड इवनिंग नीरज सिंह जी, अजय राज जी, गुड इवनिंग, ओके। एक बार सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ओके, और जल्दी से इस आसान से प्रश्न का जवाब दीजिए। ये पूछा गया है कब, आरएचओ में, आरएचओ जो रिसेंट एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इसको जो है आप आसानी से डील कर सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए अपने आंसर्स, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, बताइए जल्दी से, जल्दी आंसर करें भाई। हमारी जो नजर है लगातार आप जो है कमेंट बॉक्स पर बनी हुई है, ठीक है। इस आसान से प्रश्न का आंसर करें, ठीक है। बिंदेश आर्य बोल रहे सी आएगा, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। बिंदेश आर्य जी बोल रहे सी आएगा सर, ओके, ठीक है। बताइए क्या आएगा, ठीक है। आपने कॉफी अनुसंधान संस्थान जो है उसके बारे में सुना होगा क्या, चिकमंगलूर, ठीक है, ये नाम आपने सुना होगा, ठीक है। कहां पर, कर्नाटक में, ठीक है। हाँ जी, सी बता रहे हैं, ओके। इसका जो आंसर है क्या है, सी ही है, ठीक है। ये जो जगह है बेहलानूर, ठीक है, ये चिकमंगलूर के पास में है, कहां पर है, चिकमंगलूर के पास में है, कर्नाटक में, ठीक है। इस जगह का नाम है, लोकली जो है इस नाम से जानी जाती है, ओवरऑल पूरे देश में इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन से राज्य में, कर्नाटक में, तो आपका आंसर बन गया, ठीक है, क्या, कर्नाटक। अब बाकी के जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है, यह जो है रबर का है, ठीक है, यह जो है प्लांटेशन क्रॉप का है, रोपणी फसल का, ठीक है। इसके बाद में ये जो बचा है वलपराई तमिलनाडु, ठीक है, ये कहां का है, यह है उपासी, उपासी क्या है आगे जानेंगे, ठीक है, उपासी का है, ठीक है, जो प्लांटिंग एसोसिएशन है प्लांटेशन क्रॉप का उसका, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ फॉलोवेड इन कल्टीवेशन ऑफ कॉफी, ठीक है, कॉफी की कल्टीवेशन में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अपनाया जाता है। ऑप्शन है टेटुरा ट्रेलिस, निफिंग सिस्टम, सिंगल स्टेम सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से आंसर करें, ठीक है। हाँ जी, नेट की एग्जाम में भी आया था, बिंदेश बता रहे कौन सा वाला प्रश्न, कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला, ठीक है। इसका आंसर करिए जल्दी से, क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर, सी बता रहे हैं कि आएगा सिंगल स्टेम सिस्टम, बाकी लोग भी आंसर करें कि कॉफी की खेती में अपनाया जाने वाला, ठीक है, सिस्टम किसका, ट्रेनिंग का या फिर सधाई का सिस्टम, ठीक है। पूछा है, जल्दी से आंसर करें, सिंगल स्टेम, ओके।
आनंद शेखर बोल रहे हैं सिंगल स्टेम, विनोद सेन जी बोल रहे हैं सिंगल स्टेम, बिंदेसारी जी बोल रहे हैं सिंगल स्टेम, सी ऑप्शन बता रहे सभी, वेरी गुड, ठीक है, नाइस आंसरिंग, ठीक है। सिंगल स्टेम सिस्टम इसमें फॉलो की जाती है, बाकी जो सिस्टम है ये किसमें फॉलो किया जाता है, पिच पियर में और ग्रेप में, किसमें पिच पियर और ग्रेप में जो है इन चीजों को फॉलो की जाती है, किसको, निफिंग सिस्टम को और टेट्यूरा ट्रेलिस सिस्टम को, ठीक है, ये बन गया आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है द यूनाइटेड प्लांटर्स प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथर्न इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर, कौन से ईयर में पूछा है, जो भी पहला प्रश्न था उसी का फुल फॉर्म है, किसका, उपासी, ठीक है, उपासी जहां पर चाय काली मिर्च इलायची के लिए अनुसंधान होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछा है कि यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथर्न इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी, 1883, 1893, 1993 या फिर 1993 या फिर 83, ठीक है, आंसर करिए जल्दी से। सी आंसर आया है, इसमें भी सी लगा रहे सभी, ठीक है, जल्दी से आंसर करें भाई, 1993 आनंद शेखर बोल रहे हैं, बाकी लोग आंसर करें जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है, कमेंट्स करें, कमेंट्स करें भाई, अच्छा टी एंड कॉफी के लिए सी था, ओके, इसके लिए कमेंट कीजिए आप, क्या आएगा इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ टी एंड कॉफी के लिए यहाँ पर जो है ब्लैक ब्लैक जो होती है पेपर और साथ में इलायची कार्डेमम का भी अनुसंधान होता है, ठीक है, बताइए इसका क्या आएगा आंसर, ठीक है, ये जो वहीं पर है कहां पर जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, वलपाई, वलपाई तमिलनाडु में, कहां पर वलपाई जो पहला प्रश्न पढ़ा था उसी में है इसका, ठीक है, ये जो वलपाराई है, ठीक है, तमिलनाडु, यहां पर है उपासी और इसकी स्थापना का पूछा है, कब आएगा स्थापना, 1983 या 1883, जल्दी से बताइए क्या आएगा, विनोद सेन बोल रहे हैं 1983, बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करें, थोड़ा सा रुके हुए हैं इस प्रश्न पर, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, फैक्चुअल चीजें हैं, जल्दी से कमेंट करके आंसर क्लिक कीजिए। कमेंट करें भाई जल्दी, जल्दी कमेंट कीजिए, 1983 बता रहे हैं, ठीक है, 1983 नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा क्या, इसका आंसर आएगा बी 1893, क्या आएगा इसका आंसर, 1893 में इसकी स्थापना हुई है, किसकी, उपासी की, कहां पर स्थापित है, यह स्थापित है तमिलनाडु में, कहां पर, तमिलनाडु में, ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न यह है कि टी डे इज सेलिब्रेट ऑन, चाय दिवस कब मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत सरल सा प्रश्न है, टी डे कब मनाया जाता है, अलग अलग डेट दिए हैं यहाँ पर, कमेंट करें भाई जल्दी से, ठीक है, शॉर्ट टाइम सेशन है, मतलब पूरे 1 आवर का नहीं है, 30 मिनट का सेशन है, 30 मिनट में सारे क्वेश्चन हल करने हैं, तो जल्दी से फटाफट कमेंट्स कीजिए, ओके, जल्दी से कमेंट्स कीजिए फटाफट, क्या आएगा चाय दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर, 15 दिवस, 15 नवंबर, 15 अक्टूबर या 15 सितंबर, और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी साथी बंधुओं तक यह जो है वीडियो पहुंच जाए। आंसर आया है आनंद शेखर का 15 दिसंबर, ओके, ठीक है, और भी कमेंट्स कीजिए सारे लोग, सही है आंसर, 15 दिसंबर को मनाया जाता है क्या, टी डे, क्या मनाया जाता है, चाय का दिवस 15 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एरियोसोमा एरियोसोमा लानिजरम इज ए जूलॉजिकल नेम ऑफ इंसेक्ट ऑफ विच क्रॉप, मतलब कौन सी फसल का यह इंसेक्ट है जो कि यहाँ पर जूलॉजिकल नेम लिखा हुआ है, ठीक है, बताना है आपको, ओके, कमेंट्स कीजिए जल्दी से, बुली एप्पल एफिड है, टी मॉस्किटो बग है, संजोस स्केल है, या फिर है फ्रूट फ्लाई ऑफ मैंगो, ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आएगा इसका आंसर, बताएं भाई जल्दी से, कमेंट्स करें, बहुत अच्छा प्रश्न है, ए ऑप्शन आया है, बिंदेश आर्या बोल रहे हैं ए आएगा, बाकी सभी लोग कमेंट्स करें जल्दी से, ओके ओके, देखिए ये जो चार ऑप्शन है,
चार ऑप्शन से चारों जो है इनको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डी क्या बोला है, फ्रूट फ्लाई, ठीक है। फ्रूट फ्लाई क्या आएगा यहाँ पर, डेकस डॉर्सलिस, ठीक है। उसके बाद में दिया है सन जोस स्केल, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है, क्वाड्री स्पीडियोटस, और क्या है आगे, परनीसियोसस, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, टी मॉस्किटो बग। टी मॉस्किटो बग किस में लगता है, कैजो में लगता है, जिसका कि नाम है क्या, हेलियोपेल्टिस एंटोनी। क्या है, हेलियोपेल्टिस एंटोनी किस में लगता है, कजेव का मेजर पेस्ट है, कजेव नट का, ठीक है। तो आपका जो आंसर है जितनों ने भी किया है, ठीक है, बिंदेश आदि, ठीक है, काना प्रताप और अजय राज, ठीक है, सभी ने बताया है क्या, ए ऑप्शन, ठीक है। वुली एप्पल एफिड, इसका कि क्या नाम है, एरियोसोमा लैनिजरम, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। यह प्रश्न है कि आर You know about Melazumi? क्या आप Melazumi के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका आपको ऑप्शंस में आंसर करना है। यह क्या है, Melazumi एक रूट स्टॉक है, क्या रूट स्टॉक पियर का है, पिच का है, प्लम का है, या फिर है किसका, एप्पल का, बताइए जल्दी से। Melazumi क्या है, एक रूट स्टॉक है, और ये रूट स्टॉक किसका है, इसका आपको आंसर करना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए इस आसान से प्रश्न का, जल्दी से आंसर करें भाई। आंसर आने लगे हैं, एप्पल बताया जा रहा है, एप्पल बताया जा रहा है आंसर, डी एप्पल डी, ओके। आनंद शेखर और बिंदेश आर्या, बाकी सभी लोग आंसर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। समय बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 20 दिन का ही समय बड़ा है, ठीक है। इसका जो आंसर है Melazumi, ठीक है, क्या आएगा, चूंकि मेलस जो सीरीज है वो एप्पल में ही मिलती है, मेलस सीरीज किसकी, रूट स्टॉक की, ठीक है। और Melas domestica इसका बॉटनिकल नेम है, क्या है, Melas domestica, ठीक है। अब ये जो आंसर है इसका यह है क्या, एप्पल का रूट स्टॉक है कौन सा, Melazumi, और ये किसके लिए रेसिस्ट है, ये रेसिस्ट है, रेसिस्टेंस है, किसके लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, किसके लिए, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेसिस्टेंस है, कौन सा, Melazumi, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि लीची फ्रूट, इन लीची फ्रूट क्रैकिंग इज ड्यू टू, ठीक है, लीची के फल में फल के फटने का कारण क्या है, यह पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है हाई टेम्परेचर की वजह से, ड्राई हॉट वाइन की वजह से, वाटर स्ट्रेस की वजह से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आपको आंसर करना है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करें इस नए प्रश्न पर, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। क्या आएगा इसका आंसर, लीची में फल फटने की समस्या जो है किस वजह से होती है, कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है इसका संभावित उत्तर। ओके, ठीक है, ये बता रहे हैं बिंदेश आर्य जी, बाकी लोग भी आंसर करें, क्या यह हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, ये बता रहे हैं प्रियंका मैम, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। देखिए, लीची में जो है फल फटने की समस्या का जो मुख्य कारण है, वह कारण है क्या, बी ऑप्शन, ड्राई हॉट वाइन, कैसी, शुष्क गर्म हवा, कैसी, शुष्क हरम हवा, गर्म हवा, ठीक है। यह 43 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या कर जाता है, टॉलरेंट कर जाता है, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर इसका रीजन नहीं हो सकता, लेकिन ड्राई हॉट वाइन जो होती है, शुष्क गर्म हवा, उसकी वजह से इसमें होता है क्या, फ्रूट क्रैकिंग, किसमें, लीची में, ठीक है, बोरोन की कमी से नहीं, किसकी वजह से, हाँ बी ऑप्शन सही है अजय राज जी, जो है ड्राई हॉट वाइन जो होती है गर्म शुष्क हवा, उसकी वजह से फ्रूट क्रैकिंग होता है लीची के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाउ मच परसेंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बेल फ्रूट, मतलब पूछा है जो बेल पत्र का जो फल होता है उसमें कितने प्रतिशत में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन से आपके सामने 27%, 31%, 36% या फिर है 72%, ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। बताएं भाई जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर, कितने प्रतिशत इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है वह किसमें? डेट पाम और ड्राई करौंदा में पाया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके जो है कार्बोहाइड्रेट का स्तर जो है गिरता जाता है, ठीक है। 36% किसमें? बनाना में। 27% किसमें? ग्रेप्स में, ठीक है। तो आपको उत्तर देना है किसका? इसका, ठीक है। 72% जो पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें? एप्रिकोट में, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर कुछ इस तरह बन सकता है, 72% एप्रिकोट, ठीक है, एवोकाडो नहीं एप्रिकोट, ठीक है, फिर है बनाना, ठीक है, फिर है क्या, फिर है ग्रेप, और इसका जो आंसर है, ठीक है, आंसर आया है बी। अजय राज बता रहे हैं क्या बी आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? बेल में। 31% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आंसर क्या है? बी, बी फॉर क्या? बेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधी बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? कहां पर? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहां पर स्थित है? बीकानेर में है, जोधपुर में है, बेंगलुरु में है, या फिर है लखनऊ में? आपको बताना है। हाँ विंदेश जी, बी सही बताया आपने उसका आंसर, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर कीजिए आप, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा। शिव साहू बता रहे हैं डी, बाकी लोग भी कमेंट्स कीजिए जल्दी से। आनंद शेखर बता रहे हैं लखनऊ, लखनऊ, ओके। बिंदे सारे भी बोल रहे हैं लखनऊ, ठीक है। ठीक है, इतने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, कौन सा कहां कहां पर हो सकता है? यह किसका है? यह है सब ट्रॉपिकल का। किसका? सब ट्रॉपिकल का, जिसका कि आंसर क्या है? सही है, ठीक है, सही है लखनऊ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? ट्रॉपिकल की। तो ट्रॉपिकल के लिए अलग से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, IIHR जो है इसी पर काम कर रहा है, ठीक है। कहां पर IIHR? कहां पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। श्रीनगर में स्थित है किसका? श्रीनगर में स्थित है टेम्परेट का रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब आपको बताना है एरिड जोन का कहां पर है और ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर का कहां पर है, इस दो चीज की आपको कमेंट्स करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ड्राई जोन का और ड्राई जोन और ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का कहां पर इंस्टीट्यूट है? बिल्कुल सही जवाब दिए सभी ने, बिंदेश, ऋचा सागर, लखनऊ, प्रियंका उइके बोल रहे हैं डी लखनऊ, विनोद सेन बोल रहे हैं डी लखनऊ, वेरी गुड, ठीक है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, इन दो का जो आपको पता करना है कहां पर है रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है प्रश्न कि अनइवन राइपनिंग इन ग्रेप, ठीक है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय, किससे कंट्रोल किया जा सकता है? किसको? अंगूर में असामान्य पकने को किससे नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन है बोरॉन स्प्रे, कैल्शियम स्प्रे, नाइट्रोजन स्प्रे, या फिर इथिलीन का स्प्रे, मतलब इन चीजों का आपको क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, एरिड जोन का जो है जोधपुर में है, ठीक है शिवजी, कजरी नाम से फेमस है एरिड जोन जोधपुर, ठीक है। ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर बताइएगा कहां पर है, ओके। इसका आंसर कीजिए जल्दी से कि अनइवन राइपनिंग, अनइवन मतलब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो अंगूर का गुच्छा होता है उस अंगूर के गुच्छे में आधे अंगूर पक जाते हैं और आधे अंगूर नहीं पकते हैं, ठीक है, कुछ रीजन हो सकता है, ठीक है। ये हो गया राइप और अनराइप, ठीक है। क्योंकि यह कैसा फ्रूट है, यह क्लाइमेट्रिक है कि नॉन क्लाइमेट्रिक? यह नॉन क्लाइमेक्टेरिक है, ठीक है। कैसा फल है? नॉन क्लाइमेक्टेरिक, ठीक है। तो जब फल पेड़ पे लगा है, ठीक है, वाइन पे लगा है, तभी पका लेना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा जल्दी से कमेंट करें, ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करें। ए, ए, सी और ए ऑप्शन आए हैं। इसका जो आंसर आएगा क्या? इथिलीन। इथिलीन का स्प्रे करके आप फ्रूट्स को पका सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, 250 ppm के स्प्रे से, ठीक है, तोड़ते वक्त भी कर सकते हो, तुड़ाई के बाद भी कर सकते हो, पक जाएगा, ठीक है, इथिलीन अप्लाई करने से, ठीक है, पक जाएगा। ये जो परेशानी है अनइवन राइपनिंग, ठीक है, असामान्य पकना, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट, ठीक है, क्या? लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ एनोनेसी फैमिली, किसका? एनोनेसी जो परिवार है उसका सबसे बड़ा फल कौन सा है, यह पूछा गया है। ऑप्शन है पाउन एप्पल, ठीक है, सौर सेप्स, फिर है चेरी मोया, फिर है क्या? अटे मोया, ठीक है। आपको आंसर करना है इसका, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या आएगा ऑप्शन, ठीक है, क्या आएगा? पाउंड एप्पल, एनोना ग्लाब्रा, ठीक है, क्या आएगा? सोर सेफ, एनोना म्यूरिकाटा, ठीक है, क्या आएगा? चेरी मोया, एनोना चेरी मोया,
या फिर आएगा क्या अटेमोया, ठीक है। इन्हें कहा जाता है क्या हनुमान फल, ठीक है, और इन्हें कहा जाता है क्या लक्ष्मण फल, ठीक है। इसका आपको आंसर करना है जल्दी से, जल्दी से आंसर कीजिए। बी ऑप्शन आया है, ठीक है। प्रवीण गांधारे जी बोल रहे हैं, प्रवीण गांधारे जी, गुरुजी प्रणाम, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। आनंद शेखर बोल रहे हैं सौर से, बिंदे सारिया बोल रहे हैं बी सौर से, बाकी सभी लोग आंसर करें, प्रवीण जी आंसर करें, प्रवीण जी आंसर करें। क्या आएगा एटेमोया आएगा या फिर आएगा क्या चेरीमोया, सौर सेप और पॉन्ड एप्पल, क्या आएगा इसमें से आंसर? बी ऑप्शन आया है, वेरी गुड। आएगा क्या सौर सेप, सौर सेप जो होता है टेस्ट में थोड़ा कैसा होता है कड़वा खट्टा टाइप का होता है, जो कि कहलाता है क्या एनोना म्यूरिकाटा, और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, डी नहीं आएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर गुआवा फ्रूट, ठीक है, गुआवा के फ्रूट को, ठीक है, अमरूद के फल को भंडारित करना है, स्टोर करना है, इसका आंसर आप बताइए क्या आएगा, ठीक है। माइनस एक से जीरो डिग्री सेल्सियस या फिर चार से पांच या फिर आठ से दस और बारह से पंद्रह डिग्री सेल्सियस, क्या आएगा इसका आंसर? प्रवीण जी बोल रहे हैं सी आएगा, ओके। सिंह धर्मवीर बोल रहे हैं सी आएगा, कृषि टाक बोल रहे हैं सी आएगा, शिव साहू जी बोल रहे हैं सी आएगा, धूम मचा दी सर, मौज कर दी, इतने सारे कमेंट्स एक साथ, ठीक है, इतने सारे कमेंट्स एक साथ आ रहे हैं, सी सी, अजय राज, प्रियंका, आनंद शेखर, ओके, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बताया जा रहा है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, इस पे स्टोर कर सकते हैं किसको, गुआवा को, ठीक है। इधर जो स्टोरेज टेम्परेचर है यह किसके लिए है, बनाना के लिए है, ठीक है। इसके बाद में यह हो जाएगा एप्पल के लिए, और यहां हो जाएगा किसके लिए, मैंगो के लिए, अप्रोक्स टेम्परेचर स्टोरेज का, ठीक है, कैसा अप्रोक्स, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि अर्का अमूल्या जो है, अर्का अमूल्या इज ए हाइब्रिड ऑफ गुआवा, किसका संकर है, हाइब्रिड है किसका, गुआवा अमरूद का, इट्स क्रॉस बिटवीन पूछा है। अर्का अमूल्या अमरूद का एक संकर है, मतलब एक अच्छी किस्म है, ठीक है, यह किसके मध्य संकरण है यह पूछा है। ऑप्शन है इलाहाबादी सफेदा, ए एस को डिनोट किया है, किससे डिनोट किया है, इलाहाबादी सफेदा, किससे, इलाहाबादी सफेदा से, और साथ में है क्या अलग अलग ऑप्शन, अलग अलग पेरेंट, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, इलाहाबादी सफेदा इंटू एप्पल कलर, इलाहाबादी सफेदा इंटू सीडलेस, पर्पल लोकल इंटू इलाहाबादी सफेदा, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करें। हाँ जी आंसर आने लगे, कृषि टाक बोल रहे हैं ए, प्रवीण सर बोल रहे हैं ए, बिंदेश बोल रहे हैं ए, ठीक है, ए बता रहे हैं, विनोद सेन बोल रहे हैं बी, शिव बोल रहे हैं ए नहीं आएगा, ए जो क्रॉस है वो हाइब्रिड 16 का है, किसका है, हाइब्रिड 16, अमरूद की एक वैरायटी हाइब्रिड 16, उसका क्रॉस है क्या इलाहाबादी सफेदा इंटू एप्पल कलर, ठीक है। हाँ जी अजय राज बोल रहे हैं बी, शिव बोल रहे हैं ए, विनोद सेन बता रहे हैं बी, ठीक है, और भी कुछ वैरायटीज है, ठीक है, और भी कुछ वैरायटीज है यहाँ पर, जैसे कि है पर्पल लोकल इंटू इलाहाबादी सफेदा, ठीक है, यह जो क्रॉस है किसका है, यह ठीक है अर्का पूर्वा का है, किसका, अर्का पूर्वा का क्रॉस है कौन सा, लोकल, पर्पल लोकल इंटू इलाहाबादी सफेदा, और यह जो किस्म है अर्का अमूल्या, इसका क्रॉस है क्या बी, ठीक है, तो बी है इसका आंसर, बी जिन्होंने भी टिक किया बिल्कुल सही बताया, बिंदेश, अजय राज, ठीक है, हाँ विनोद से, ओके। अगला प्रश्न है कि बनारसी इज द बेस्ट कल्टीवर ऑफ आंवला, आंवला की सबसे अच्छी वैरायटी है कौन सी, बनारसी, इट हैव अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ, इसकी एक गंभीर समस्या है, ठीक है, बनारसी चूंकि आंवला की एक बढ़िया वैरायटी है, इसकी एक बड़ी समस्या है, ठीक है, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, ऑप्शन है फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट नेक्रोसिस, शूट गॉल मेकर या फिर ऑल ऑफ दिस, जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका प्रश्न, बी बता रहे हैं प्रवीण सर, ओके, विनोद सर बता रहे हैं बी, बाकी सभी लोग आंसर करें, प्रवीण जी, विनोद जी बोल रहे बी आएगा, बाकी लोग भी आंसर करो, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, बढ़िया आनंद के साथ रोज शाम को ऐसे ही लाइव क्लास में पढ़ते रहेंगे, चूंकि कल संडे है तो याद रहे कल करंट अफेयर के लिए तैयार रहे शाम को 7 बजे। हाँ जी कुलदीप जी बोल रहे हैं बी और कृषि टाक बोल रहे हैं बी, ठीक है, ओके,
फ्रूट नेक्रोसिस प्रॉब्लम है। बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस आसान से प्रश्न का, क्योंकि बनारसी जो है किसकी वैरायटी है, बनारसी है किसकी वैरायटी, आंवला की, ठीक है, किसकी, आंवला की वैरायटी है, ठीक है। अब ये जो बनारसी वैरायटी, इसमें क्या लगता है, आंवला बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है ये तो है ही सही, ये जो दोनों प्रॉब्लम है यह है ही सही, क्योंकि प्रश्न में लिखा है एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी भयंकर समस्या है, अलग दिश आ सकता है ऑप्शन में अगर थोड़ा सा प्रश्न में संशोधन कर लिया जाए, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से आएगा क्या, फ्रूट ड्रॉप, इसमें बड़ी समस्या है फ्रूट ड्रॉप की, क्या, फ्रूट ड्रॉप इज ए बिग प्रॉब्लम, ठीक है, बिग प्रॉब्लम है यहाँ पर, कौन सी, फ्रूट ड्रॉप, किसमें, आंवला की वैरायटी बनारसी में, तो इसका आंसर आएगा क्या, ए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, क्वेश्चन है, प्रोपोगेशन ऑफ डेड पाम इज डूइंग बाय सकर्स, किसके माध्यम से होता है इसका प्रवर्धन, सकर्स के माध्यम से होता है, ठीक है, मच हाउ मच वेट ऑफ सकर्स रिक्वायर्ड, कितने वजन का, कितना वजनी सकर्स इसमें रिक्वायर होता है, ऑप्शन है यहाँ पर 750 ग्राम, 7.5 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या फिर है 12 किलोग्राम, जल्दी से आंसर बताइए, आंसर आ चुका है, क्रशिटाक बोल रहे हैं डी, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट्स करें, आंसर करें, ठीक है, डी बताया जा रहा है विनोद सेन जी के द्वारा, ओके, बिंदेश आर्या जी बोल रहे हैं ए ऑप्शन आएगा सर 750 ग्राम, बाकी लोग भी जल्दी से कमेंट करें, प्रियंका मैम बोल रहे हैं डी आएगा, ठीक है, देखिए देखिए इधर जो ए ऑप्शन में डाउट में है उसका मैं बता दूं, यह जो है सकर्स का वेट, ठीक है, किसके लिए है, बनाना के लिए है 750 ग्राम, ठीक है, ए ऑप्शन बता रहे हैं जो लोग, ठीक है, हाँ 750 ग्राम बनाना में यूज होता है, अब आपको बताना है किसके लिए, डेड पाम के लिए, क्योंकि जो है रेंज जो है वेट की वह है 8 से 15 केजी, ठीक है, अब इस रेंज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है, इस रेंज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर, 10 से 15 केजी, हाँ जी ठीक है, यही रेंज है 8 से 15 या 10 से 15, विनोद जी, ओके, अब इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए, ठीक है, चूंकि एक साल में 2 से 3 बार ही सकर्स लेना चाहिए, किसमें, डेड पॉम में, ठीक है, ये डेड पॉम का पेड़ है, ठीक है, इसमें जो स्टेम है इसके साइड से जो सकर निकलते हैं, ठीक है, तो उसको रूट सिस्टम सहित जो है बाहर निकाला जाता है, ठीक है, रूट सिस्टम सहित किसको, सकर्स को, ठीक है, यहां से निकाला जाता है, और एक साल में, ठीक है, एक साल में जो है 2 से 3 सकर से ही लेना चाहिए, कितने, 2 से 3 सकर से ही लेना चाहिए प्रोपोगेशन के लिए एक प्लांट से, ठीक है, ज्यादा लोग है तो उसमें ठीक से फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी, इसका जो आंसर है वह क्या है, डी है, ठीक है, किस रेंज में, 8 से 15 रेंज में, ठीक है, 12 केजी का जो औसत वजन है सकर्स का, ठीक है, वह उपयुक्त है किसके प्रवर्धन में, खजूर के प्रवर्धन में, ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हाँ जी डी ऑप्शन सही बताया है प्रवीण जी, कुलदीप जी सभी ने, ठीक है, अगला प्रश्न है, विच स्टेट इज लीडिंग इन प्रोडक्शन ऑफ पपाया, ठीक है, पपीता की खेती में उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, इसका आपको आंसर करना है, क्या वह गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, या फिर है क्या कर्नाटका, ठीक है, जल्दी से बताइए सभी महानुभाव अधिकारी महोदय, ठीक है, जल्दी से बताइए, हाँ जी विनोद सेन बता रहे हैं बी, कुलदीप जी बता रहे हैं डी, कृषिटाक बोल रहे हैं डी, और बिंदेश जी बोल रहे हैं बी, सभी लोग जल्दी से आंसर करें, ओके, डी बताया जा रहा है, ठीक है, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, इसका जो आंसर है वह क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है, तमिलनाडु जो है प्रोडक्शन में आगे है किसके, पपीता के, पपाया के प्रोडक्शन में, ठीक है, अब ये जो स्टेट है यह अलग अलग है, जैसे गुआवा की बात करें, गुआवा की बात करें तो गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमरूद या फिर बोल सकते हैं आंवला, ठीक है, इसके बाद कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉफी वगैरह प्रोडक्शन में, ठीक है, यह स्टेट क्या है, आगे है, पपाया में कौन आगे है, तमिलनाडु, ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सीडियम गुआ जावा, ठीक है, क्या है, सीडियम गुआ जावा का कीट है, क्या क्या ऑप्शन है, फ्रूट फ्लाई है, स्टेम बोरर है, बार्क ईटिंग केलर कैटरपिलर है, या फिर है सभी, आंसर कीजिए जल्दी से, ठीक है, क्या है इसका आंसर बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं, ठीक है, प्रवीण गांधारे जी बोल रहे हैं ए ऑप्शन, कुलदीप पाटीदार जी बोल रहे हैं बी ऑप्शन,
रिचा सागर बोल रहे हैं डी ऑप्शन, विनोद सेन बोल रहे हैं डी, कृषि टाग बोल रहे हैं ए, बिंदेश आर्या बोल रहे हैं डी। आपको बता दूं, याद दिला दूं, जब आरएचओ की एग्जाम हुई थी, ठीक है, 2017 में, 2016-17 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। कौन सा प्रश्न? ये वाला प्रश्न के अमरूद के इंसेक्ट, ठीक है, ये तीनों इंसेक्ट है, ठीक है, ये तीनों इंसेक्ट है किसके? अमरूद के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबो, मतलब यह सभी जो है अमरूद के इंसेक्ट है। और मैक्सिमम आंसर भी क्या आया है? डी आया है, ठीक है, बहुत बढ़िया एफर्ट लगाया जा रहा है आपके द्वारा। ऑरेंज फ्रूट जो है आर एन एक्सलेंट सोर्स ऑफ, क्या पूछा है? जो नारंगी है, कौन सी नारंगी? स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज जो है एक अच्छा उत्कृष्ट सोर्स है किसका? है विटामिन सी का, कैल्शियम का, आयरन का, या फिर है क्या विटामिन ए का? जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर करें भाई। सभी महानुभाव आगामी अधिकारी महोदय महोदया, जल्दी से आंसर करें, क्या हो सकता है इसका आंसर? कमेंट करें जल्दी से, ठीक है, बहुत सरल सा प्रश्न है, ठीक है। बिंदेश जी बोल रहे हैं ए आएगा, ठीक है। स्वीट ऑरेंज का पूछा है, स्वीट ऑरेंज यानी कि माल्टा, ठीक है, इसके बारे में पूछा है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या है इसमें रिसोर्स, चूंकि सिट्रस ग्रुप से है, ठीक है। कौन सा? सिट्रस या साइट्रस ग्रुप से है, ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। विटामिन सी ए ए, ओके, लगभग सभी ने आंसर कर दिया, बिंदेश जी, कुलदीप जी, विनोद जी, रिचा जी और बिंदेश जी, ठीक है। प्रवीण गांधारे जी बोल रहे हैं ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा ए, मतलब विटामिन सी, ऑप्शन ए मतलब विटामिन सी इसका उत्तर है, ठीक है। दोस्तों सेशन यहीं पर जो होता है क्या होता है? समाप्त तो होता है, ठीक है, सेशन यहीं पर समाप्त तो होता है। धन्यवाद सभी को इतना अच्छा सपोर्ट समर्थन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, ठीक है। गिनती के दिन बचे हैं एग्जाम में, चूंकि 26-27 अप्रैल को होने वाली थी परीक्षा, पर अब कब हो रही है? 18 और 19 मई को, तो बहुत ज्यादा दिन बड़े नहीं है, 20 दिन बड़े हैं, तो मान के चलो कि 27 अप्रैल तक आप इसको अच्छे से पढ़ लो, और आगामी 20 दिनों में बढ़िया सा रिवीजन कर लीजिए आप, ठीक है। ये आपको काफी सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि बढ़िया से पढ़ाई करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, गर्मी आने वाली है, तो बढ़िया से पढ़ते रहें, पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ओके। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, कल शाम को मिलेंगे, शाम को 7 बजे, संडे है, तो क्या मिलेगा? करंट अफेयर एग्रीकल्चर का, ठीक है, एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी को थैंक यू, वेलकम, ठीक है। अजय राज जी, बिंदेश जी, प्रवीण जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आप सभी का, ओके। तो सेशन को यही विराम देते हैं, धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।